उनके द्वारा दिया दुश्मनी मना लिया मोहल्ला भरे माँ। गांव का जगदीश शुक्ला है जी में सबसे ज्यादा जगदीश शुक्ला बिलोरी है। अपने भैया बाप ला का मकान बनवाओ है या सेक्रेटरी बनो के मकान बने हैं। गरीब लोग के जन पन्नी तान के रह रहे उनके मकान नहीं है बताओ किसे जिम्मेदार मानते हैं। बने हैं उसमें हम रह रहे हैं मकान बने हैं पक्के बड़े आदमी है 100-100, 200-200 बीघा जमीन हो उसके मकान आ गए हैं और जो गरीब है उनके मकान नहीं आ रहे हैं। उनके दो दो मकान बने हैं वो पक्के बन के आ गए हैं सबके आ गए दो दो तीन तीन मकान आए। इसकी उम्र निकल गई आवास नहीं आया इनकी इनकी सांस की उम्र निकल गई आवास नहीं आया। खेती ना पाती गरीब आदमी है बताओ आवास नहीं आ रहा कच्चे मकानों में रह रहा जहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। जी बोल रहे हैं जी हमारे मकान नहीं है हम टपरियाँ डाल डे रहते हैं हमारे मकान आ जाए सब कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। वैसे तो यह योजना गरीबों के लिए बनाई गई है तो क्या वास्तव में इस योजना का लाभ गरीबों को मिल रहा है? ऐसे ही कुछ लोग ग्रामीण लोग यहाँ लोकसंगर जनपद में आए हैं अपनी मांग को लेकर उन्हीं से बात करते हैं। जी क्या शुभ नाम है? संदीप सेन नाम है जी। यहाँ जनपद आए हैं आप क्या मांग लेके आए हैं? आवास योजना क्या कारण अभी तक आवास नहीं आया जी क्या सब नाम बोलिए? दिनेश कुमार नाम दिया जी क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो पीएम आवास प्लस में नाम जोड़े गए थे उस सूची को एक तरफ से पूरी 148 लोगों की सूची थी सभी को अपात्र कर दिया गया है और सबका एक ही कारण दिया गया है कि लैंडलाइन फ़ोन कनेक्शन है जो कि लैंडलाइन की लाइन आज तक हमारे गाँव में कभी डली ही नहीं है ये रीज़न दे के सभी को अपात्र कर दिया गया है। अच्छा इससे संबंधित अभी तक किस किस से शिकायत कर चुके हैं? इस संबंध में पहले हम दो बार यहाँ पे जो वर्तमान सीईओ थे उनको दो बार आवेदन दिए गए हैं उसके बाद एक बार जिला पंचायत जाके जिला पंचायत सीईओ को भी एक बार आवेदन दिया है। इनके अलावा एक बार हम विधायक जी के पास गए थे जो वर्तमान विधायक थे राजेश प्रजापति जी उन्होंने बाकायदा लेटर पैड में लिख के दिया था और सीईओ साहब को देने को बोला था वो हमने सीईओ साहब को आदेश दिया था और उनके कहने के बाद भी आज तक इस समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ कहीं कोई सुनवाई नहीं। जी आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ग्रामीणों को तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? अब साहब हमको तो देखो ये पता नहीं है कि क्या कारण है लेकिन आज तक मिला गलती नहीं। गलती किसकी मानते हैं? गलती अब जो देखो जो लेखा जोखा करता है जैसे अब सेक्रेटरी साहब हैं अब यही है और किसका मानते हैं। जी भैया क्या सब नाम है? नरेश अहरवाल नाम जी। यहाँ आप लोग आए हैं अपनी मांग को लेकर तो क्या मांग है आपकी? सर आवास योजना की लिस्ट में जो नाम थे सभी के काट दिए गए हैं और उसका कारण बताया गया है कि सभी के घर में लैंडलाइन कनेक्शन है इसलिए अपात्र किया गया है सभी को। अच्छा ये जो कनेक्शन है इससे संबंधित आपने कहा भी होगा कि कनेक्शन नहीं है या लाइन वहाँ है या नहीं है तो सर, इसकी जांच अभी किसी नहीं सर अभी कुछ नहीं है सर जांच वगैरह पहले से कुछ कंप्लेन वगैरह दी हुई है लेकिन अभी तक ऐसी कोई सुनवाई। कब से ये सिलसिला जारी है कि अभी तक कोई कार्रवाई? 21 से दी गई है ये 2021 हाँ 2021 से आवेदन दिए गए हैं लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी क्या सब नाम है? महेश अहरवाल जी। क्या क्या मांग लेकर आए हैं यहाँ पे? समस्या ये है कि मतलब आवास प्लस का नाम बिल्कुल जीरो है पंचायत अभी वर्तमान क्यों क्यों आखिर क्या कारण है? कारण यही लैंडलाइन फोन लिख के पूरी निरस्त कर दी गई। किसने किसके द्वारा किया गया? यही अब जो उसमें कंप्यूटर चलाते हैं सचिव के द्वारा इन्हीं के द्वारा की गई इन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं बस इन्हीं को जी। क्या मांग करते हैं शासन? मांग है कि शासन से हमारी इसकी सत्य जांच की जाए और आवास का लाभ दिलाया जाए गरीबों को सभी लोगों को जो पात्र हैं उन्हीं को दिलाया जाए ये नहीं कहते कि हम सबको जी। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी अम्मा क्या सब नाम है? नाम क्या है? मेरा मांग जी क्या क्या मांग लेकर यहाँ लोकसंगर जनपद आई हैं आप? क्या है कि हम मकान नहीं है हमारे रहा के लाने नहीं आवे आवास प्रधानमंत्री आवास तो क्यों नहीं हो रहा है क्यों नहीं आवास आ रहा है? भगवान जाने कैसे नहीं का कर मत कुछ कौन है जिम्मेदार इसका कि आवास नहीं आ रहा है? इसका जगदीश शुक्ला। जगदीश क्या है? जगदीश शुक्ला ये सेक्रेटरी है। अच्छा तो उसने क्या कहा गया उनके द्वारा? सुना जो उसने लेटर बनाकर भेजा है हाँ कि साहब सरकार पंचायत का बन चुका तो क्यों क्यों ऐसा किया गया उनके द्वारा? उसने कहा दिया दुश्मनी मना लिया मोहल्ला भरे माँ। अब फिर बिहान भी लौट के आओ रात के तो फिर लौट गया कहा तेरा नहीं है दूसरी का है ऐसा कहते नहीं लौट के आओ। हमारे इंदिरा आवास आवा देखा पहले चलोता है उसने ना दिया हमारे या दूसरा आवास आया तो इसने का उड़ा दिया अब क्या कर। जी माता जी क्या कहेंगे ये आप यहाँ सब आई हैं?
यहाँ आई हैं आप मांग लेकर, तो क्या क्या मांग है? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो अभी तक गांव में किस किसी को मिला है लाभ? मिला है, पहले मिला है। तो कैसे लोगों को मिला है, जो पात्र थे आवास के उन्हें मिला है, या जो अपात्र भी थे जिनको नहीं मिलना चाहिए उन्हें भी मिला है? उन्हें मिला है, हमें पंजा कुल जाने का नहीं मिला हुआ। कितने लोगों को लगभग नहीं मिला? 100-150 आदमी का नहीं हुआ। क्या कारण मानती है कि किस वजह से नहीं मिला, किसे जिम्मेदार मान रही है? कालीचरण सेक्रेटरी है जी, बचेन हमारे गांव का जगदीश शुक्ला है जी, में सबसे ज्यादा जगदीश शुक्ला बिलोरी है। क्यों क्यों आखिर ऐसा? मतलब वो कहते कि सरकार में मकान ना आओ चाहिए, बस ऐसे ही चाहे जहाँ आ जाए ऐसे ही। हाँ, बिना कारण के। हाँ, बिना वो जी। क्या ये सही कह रही हैं? मकान नहीं आओ, सब पाया हमारे लिखे की इनका। किसे जिम्मेदार मानते हैं? अब किसी जिम्मेदार है, वैसे तो जैसे बतावत ऐसे हम कहे थे कि ये जगदीश शुक्ला है, सेक्रेटरी अपने भैया बाप ला का मकान बनवाओ है, अरे सेक्रेटरी बनो है। अब बाप का कह देते मोरा लगा है, एक भैया बाड़ा लड़का कह देते मेरा लगा है। गरीब के हमारे नहीं बने, बड़े बड़े मकान बने हैं, बड़े लोगों के ऐसे मकान बने हैं, मकान बने हैं गरीब लोग के, जो पन्नी तान के रह रहे हैं उनके मकान नहीं है। बताओ किसे जिम्मेदार मानते हैं? बने हैं उसमें हम रह रहे हैं। नहीं, कारण किसे मानते हैं? प्रधान सुना, कोई सुना नहीं हमारे प्रधान जिम्मेदार के लिए। कौन लाभ हमें कछु नहीं मिले, ना हमें गल्ला मिले, ना हमारे मकान मिले, ना आवास कछु नहीं मिला तैयार, इतने परेशानी में है। बताओ जी माता जी, मकान के लाने आए हैं, ना खेती है ना पाती है, और मकान है ना ना, बता सिलाई कर कर हम मजदूरी कर कर खा रहे हैं। शाम को मेरे 12 बजे की आए सिंह साहब, क्या बोलता के बैठे हैं बताओ, जो सिंह साहब आना देंगे जो हम कहे ना कैसे, और जहां लो सिंह साहब से बात लेके घुमे जाने में, जहां लो सिंह साहब आए ना, जहां लो हमें जो कोई शिकायत ना होने दे दे, जो हम जाने नहीं डरे डरे हैं मर। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगी, यहीं रहेंगी? हम हैं रहेंगे, हम हड़ताल मचाएंगे, हैं हड़ताल मचाएंगे, सिंह साहब को शिकायत देंगे तब यहीं हड़ताल मचाएंगे, हैं रहेंगे। जी जी के दो दो मकान बने हैं पक्के, बड़े आदमी है, 100-200 बीघा जमीन है, उसके मकान आ गए हैं, और जो गरीब है उनके मकान नहीं आ रहे हैं। में रह रहे हैं, बांध बांध रह रहे हैं, बताओ जैसे ढोर बनाओ वैसे हम रह रहे हैं, ढोर जैसे हमें लड़कन ने निकाल दो है, हम कहाँ रख गए, एक एक दो दो कुठल हुआ है लड़कन के, निकाल दो तो बताओ कहाँ रख गए हम। अभी और भी ग्रामीण लोगों से आपकी बात की है तो उनका कहना है कि लैंडलाइन कनेक्शन बता के रिजेक्ट कर दिए गए, तो क्या ऐसा किसी का मोबाइल कनेक्शन है वो? हाँ भैया ले लो ना, ये तो कनेक्शन का हो, ले लो ना, हाँ लाइट तो आउट ना, ना कनेक्शन का हो, ना हमारा टावर है, ना हमारा उधर कुछ नहीं है, ना क्योंकि गाड़ी बसे हैं, ना ठेला है, आदमी झूठ मूठ उड़ा है, उनके दो दो मकान बने हैं, वो पक्के बन के आ गए हैं, सबके आ गए, दो दो तीन तीन मकान आए, आप बच्चा भी लिए हैं तो तकलीफ तो होगी, यहाँ पे खड़ी और दो तीन बार बारिश भी हो चुकी है, अभी तक कोई नहीं, भूखे प्यासे बैठे बच्चे रहे भीग रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा था, अभी थका रहे हैं, और हमारी इनकी सास की उम्र निकल गई, आवास नहीं आया, इनकी इनकी सास की उम्र निकल गई, आवास नहीं आया, दो पैर ही निकल चुकी है, आवाज नहीं आ रहा है, खेती पाती हो ना, खेती ना पाती, गरीब आदमी है, बताओ आवाज नहीं आ रहा, कच्चे मकानों में रह रहा, जहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, अब हमारे कौन सी बात हो रहा है, कहाँ जाए जी? आप मैं काफी देर से देख रहा हूँ, बच्चा भी लिए हैं तो तकलीफ का तो सामना कर रही हूँ, बोल रहे हैं जी, हमारे मकान नहीं है, हम टपरियाँ डर डर रहते हैं, हमारे मकान आ जाए, सब कुछ नहीं हमें कहना है जी, क्या सर मकान नहीं आ रहे हैं, और हम गरीब आदमी हैं, बार बने मिले खाते हैं, जिम्मेदार किसे मानते हैं इसके लिए? जिम्मेदार हमारे सेक्रेटरी ने मकान काट, क्या क्या नाम है सेक्रेटरी का? जगदीश नाम है, जगदीश नाम है जी, जी हम सरकार से आए हैं जी, क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि हमारे मकान नहीं आ रहे, ना हमारे सास की आए हैं, ना हमारा आया है, बड़े बुजुर्ग उनका तो आया नहीं, हमारी यही मांग है हमारे मकान आ जाए, और बस और कुछ नहीं चाहिए, शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारा आवास आ जाए जी। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ मातृशक्ति है,
कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भी आए हैं। इन लोगों की एक ही मांग है कि हम सभी का आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाए। चूंकि महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा कुछ लोगों के ऊपर आरोप भी लगाए गए हैं, चाहे वो सरपंच हो या सेक्रेटरी के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं ये एक कारण है कि जो आवास इनका आने नहीं दे रहे हैं। और एक लोगों के द्वारा बताया गया है कि लैंडलाइन का जो BSNL का कनेक्शन होता था वो लोगों को पहले से है लोगों के पास, जिसके कारण से आवास नहीं आया है। चूँकि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि वहाँ ऐसी कोई आज तक लाइन ही नहीं डली है, तो आगे देखना ये होगा कि शासन प्रशासन और जो आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार आला अधिकारी हैं, उनके द्वारा क्या कार्रवाई होती है, क्या जांच होती है, क्या इन लोगों की मांग पर कोई निर्णय निकलेगा, इनकी मांग मानी जाएगी। बने रहिए बुंदेली दर्पण पर। नमस्कार। घर में जांच करें।